ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मैं याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में क्या क्या चीज हमने कवर किया था। तो लास्ट क्लास में आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था, रेशनल नंबर के बारे में बताया गया था। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या होता है? आप बोलोगे सर कोई भी नंबर जो पी बटा क्यू के रूप में या तो लिखा हुआ रहे या फिर उसको पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पी बटा क्यू के रूप में अगर उसको व्यक्त कर सकते हैं तो ऐसे नंबर परिमेय संख्या होंगे, जहां पर पी और क्यू ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर मतलब अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होना जरूरी है। ऊपर और नीचे दोनों ही पूर्णांक होंगे, साथ ही साथ नीचे में जीरो के बराबर नहीं आ सकता, मतलब हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वाले नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखा है, काफी सारे डिटेल में बताया था, वर्गमूल वाला नंबर, बिना वर्गमूल वाला नंबर, है ना, काफी सारे। उसके बाद ये भी सिखाया था कि अगर हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या है और इसके बीच में अगर मुझसे कुछ परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे ये आपको पता है। ठीक है, आपको ये भी पता है किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। किसी भी परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। ठीक है, जिसमें से चार पांच या एक आपसे निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो, अपरिमेय संख्या कैसे डिफाइन करोगे? जैसे परिमेय संख्या का उल्टा है, जस्ट अपोजिट, है ना, जो भी परिमेय संख्या में था उसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। देखो डेफिनेशन क्या है, आप बोलोगे सर एक अपरिमेय संख्या या एक इरेशनल नंबर कैसा नंबर होता है? परिमेय संख्या को आपने पी बटा क्यू के रूप में लिखा, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसको परिमेय बोलेंगे। तो अपरिमेय क्या होगा? जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पर पी और क्यू क्या है? पूर्णांक। ठीक है, तो अगर ऊपर और नीचे पूर्णांक वाला नंबर नहीं आएगा तो ऐसा नंबर अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है √3, तो इसको आप कहोगे सर ये क्या है, पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्णांक नहीं, तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पूर्णांक नहीं। अगर इसको आप लिख भी दोगे, बोलोगे सर मैं तो इसको लिख सकता हूँ √3/1, अगर आप ऐसे लिखोगे तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा ये जो पी का वैल्यू आपने लिखा ये पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्णांक नहीं। तो अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा होगा? लास्ट क्लास में ये बताया था मैंने कि परिमेय नहीं होगा, तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। क्लियर है? ऐसा नंबर इरेशनल हो जाएगा। √11 को भी क्या बोलोगे? √11 भी क्या है? ये पूर्णांक नहीं है तो कहोगे ये इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया था, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्गमूल वाला नंबर अपरिमेय ही हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दो उदाहरण दिख रहे हैं, तो अगर मैं √2 की बात करूँ तो √2 तो ठीक है, आप इसको बोलोगे सर ये वर्गमूल 2 जो है ये पूर्णांक नहीं दिख रहा है ना, इसको अगर मैं पी बटा क्यू के रूप में भी लिख दूं तो पूर्णांक नहीं दिखेगा, तो इसके कारण ये क्या हो गया, ये अपरिमेय है ना, ये कैसा नंबर है? अपरिमेय है, यानी इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल है। लेकिन यहाँ पर भी देखो वर्गमूल 4 लिखा गया है, अगर वर्गमूल 4 लिखा गया तो वर्गमूल 4 देख के आप ये मत बोल देना कि ये भी अपरिमेय है। वर्गमूल 4 को अगर देख के आप बोलोगे सर ये क्या होगा, वर्गमूल 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 × 2 में से आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर दो बार गुना में लिखा गया है वर्गमूल के अंदर तो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल 4 का जो वैल्यू होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के बाद ये 2 आया, और 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, तो ये पी बटा क्यू के रूप में बदल गया, जहां पर हम कह सकते हैं कि ऊपर अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे पूर्णांक आ गया यानी इंटीजर आ गया, तो हम कहेंगे वर्गमूल 4 जो है ये परिमेय संख्या है। तो ये क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्गमूल वाला नंबर कैसा हो। तो वर्गमूल वाला नंबर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, अगर जोड़ा बनाकर बाहर निकाल सकते हो तो वो परिमेय हो जाएगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो अपरिमेय होगा। क्लियर है? तो मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वर्गमूल 25 कैसा है, परिमेय या अपरिमेय? ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय।
तो आप कहोगे ये क्या है, 5 के बराबर है ना, आपको लास्ट क्लास में बताया था, और 5 को 5/1 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मैं लिखूं √7 तो ये कैसा होगा, वर्गमूल 7 में कोई जोड़ा नहीं बनेगा तो ये वर्गमूल 7 ही रहेगा, ये पूर्णांक नहीं दिख रहा हमें, तो ये अगर पूर्णांक नहीं है तो आप कहोगे ये क्या है, अपरिमेय, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है, √2 ये अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे सभी नंबर अपरिमेय होंगे। तो अब देख के बता दोगे कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय, रेशनल इरेशनल में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो अगला जो टॉपिक है हमारा दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। देखो यहाँ पर दशमलव में कन्वर्जन ही सिखा रहा, एक्सपेंशन मतलब प्रसार, मतलब कोई भी अगर हमें पी बट्टा क्यू के रूप की संख्या दी गई, ठीक है, और अभी मैं बात कर रहा हूँ परिमेय की, ठीक है, ये नंबर क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है, तो इसको आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लास में बताया था जब पढ़ा रहा था वक्त उस समय, ठीक है, इसको आप डेसिमल रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, क्यू से आप भाग लगाओगे पी में, है ना, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो कितने टाइप के दशमलव प्रसार जो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या केस बनते हैं, तो ये सारे चीजों क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सारे चीज अभी डिस्कस करते हैं। चलो पहला एक नंबर लिखा गया 10/3, ये आपको परिमेय दिख रहा है या अपरिमेय दिख रहा है, बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या है, यस और नो, क्या यह एक रेशनल नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल सर, यह मुझे साफ दिख रहा है कि यह पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया नंबर है, जहां ऊपर में भी एक पूर्णांक है और नीचे में भी पूर्णांक है, मतलब पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं डेसिमल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, दशमलव के रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, तो 3 से भाग लगाओगे 10 में, ठीक है, कन्वर्जन सिखाया था आपको, तो 3 से अगर 10 में भाग लगाओगे तो कितने बार में जाएगा, आप बोलोगे सर 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 या 9, 9 बार, 3 बार में काटोगे, 10 में से 9 को घटाओगे तो यहाँ पर नीचे 1 मिलेगा, इतना क्लियर है सभी का, 10 में से 9 को घटाया 1 मिला। अब ये जो शेषफल आ रहा है आपका 1, ये 3 से छोटा है, अब क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 3 से 1 में नहीं भाग लगा सकते, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 3 जा 9, अगेन 10 आ गया, तो 10 को भाग लगाओगे 3 3 9 बार, ठीक है, तो यहाँ से अगेन 10 में से 9 घटाया तो यहाँ पर फिर से 1 आ गया, ठीक है, वो अगेन 1 आ गया। अब बोलोगे सर एक बार दशमलव लगाने के बाद क्या होता है कि हर बार आप जितने मर्जी 1 0 तो आप लगा ही सकते हो हर बार शेषफल में, तो 1 0 अपने मन से आप लगा सकते हो, 1 0 लगा दिया, ठीक है, अगेन बोलोगे सर 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 10 में से 9 घटाया और 10 में से 9 घटाया तो 1 आया, ठीक है, तो फिर से 1 आ गया, अगेन मैं बोलता हूँ कि चलो फिर से मैं ट्राई करके देखता हूँ, 1 0 और लगाता हूँ और अगेन बोलोगे सर 3 3 जा 9 ही आ रहा है, फिर से 1 आ गया, तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा, कभी भी एंड नहीं होगा, है ना, वो रिपीट होने लग रहा है, ठीक है, तो ये जो शेषफल दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जब मैंने घटाया था तो यहाँ पर 1 आया, अगेन जब घटाया दूसरी बार तो फिर से 1 आया, फिर से 0 लगाया, फिर से 1 आया, फिर से 0 लगाया, और चौथे बार किया तो फिर से 1 आया, मतलब ये कभी भी एंड नहीं होगा, इसका मतलब जो शेषफल आ रहा है, मतलब शेष जो लास्ट में बच रहा है, ये कभी भी 0 नहीं हो रहा, कभी भी 0 नहीं हो रहा इस वाले केस में, ठीक है, तो अगर 0 नहीं हो रहा तो इसका मतलब शेषफल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और शेषफल अगर रिपीट हो रहा है, मतलब नीचे वाला नंबर रिपीट होते जा रहा है, तो भागफल भी कभी भी एंड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, मतलब ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, 3 3 3 3 आप लगाते जाओगे, इतना क्लियर है कि भागफल भी वो कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है, तो वो अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे परिमेय संख्या होते हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसका हम जब दशमलव रूप लिखते हैं तो वो कभी भी एंड क्या होगा, नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो अगर कभी भी ऐसा नंबर आपके सामने रहे जिसमें नीचे में कभी शून्य नहीं आए, शेषफल नीचे कभी घटाकर 0 नहीं आ रहा हो, तो ऐसे केस में भागफल की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति कहने का मतलब भागफल रिपीट होने लगता है, तो भागफल जब रिपीट होने लगेगा
वो कभी भी एंड नहीं होगा। तो ऐसे वाले को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। कैसा कहते हैं? अशांत दशम। समझ में आया कि इसको अशांत दशमलव कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी भी ये खत्म नहीं हो रहा। टर्मिनेट करना का मतलब खत्म होना होता है, ठीक है? तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो। इतना क्लियर? अब क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो एंड हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, दूसरा उदाहरण 7/8। तो 7/8 को अगर आप डेसिमल के, फिर से ये p/q का रूप है, फिर से ये परिमेय संख्या है। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, इसको दशमलव के रूप में, आप ट्राई करके देखो, आपको पढ़ाया हो पहले, तो 8 से मैं 7 को भाग लगाऊँ, ठीक है? आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आ जाएगा आपका आंसर, पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, क्योंकि अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों ऐसा किया? आप बोलो सर 7 क्या है, 8 से छोटा है, तो भाग नहीं दे सकते, तो एक पॉइंट लगा देते हैं भागफल में और यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है? कितने बार में कटेगा? आप बोलोगे सर 8 8 64, 8 8 जा 64, ठीक है? 70 में से 64 घटाया, कितना मिला? 6 मिला। अब बोलोगे सर एक बार तो दशमलव लगा ही चुके हैं, तो 1 0 तो अपने मर्जी से लगा सकते हो, तो 1 0 में यहाँ पर लगा दिया, ठीक है? कितने बार में आप कटेगा? 8 7 जा 56, 8 7 56, ठीक है? ये सारी चीज पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे आप कर लेना खुद से। तो 60 में से 56 घटाओगे तो यहाँ पर 4 आएगा। अब बोलोगे सर 1 0 और लगा सकते हैं, अब लास्ट में करूंगा तो 8 5 जा 40 दिख रहा है, और यहाँ 40 में से 40 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मतलब ये क्रॉस में बना दिया, मतलब यहाँ पर क्या आया? शून्य आया। मतलब डेसिमल लगाने के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ स्टेप्स आगे बढ़ने के बाद मुझे नीचे में क्या दिख गया? शून्य दिख गया। तो अगर शून्य दिख गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये एंड हो गया, है ना, खत्म हो गया। मतलब आप लिख सकते हो 7/8 का वैल्यू 0.875, ये अनंत तक नहीं जा रहा, ठीक है? ये एंड हो गया, कुछ स्टेप के बाद ये खत्म हो गया। तो कुछ स्टेप के बाद अगर खत्म हो गया तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है? एंड होने का मतलब टर्मिनेट करना, ठीक है? तो आप बोलोगे सर इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है इतना? तो दोनों केस बना, तो एक बार मैंने क्या देखा, तो दो केस बना, ठीक है? दोनों ही केस को देखिए। आप बोलोगे तो दो पॉसिबिलिटी आया, या तो जब हमने किसी भी पी बटा क्यू के रूप के नंबर को जब मैंने कन्वर्जन स्टार्ट किया, तो या तो शेष मतलब नीचे में घटा करके 0 आ जाता था, या तो वो 0 के बराबर आ गया शेषफल। अब अगर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब भागफल क्या हुआ? आप बोलोगे सर भागफल जो कोसेंट था, भागफल रिपीट होने लगा। सॉरी, भागफल क्या हुआ यहां पर? बोलोगे सर भागफल एंड हो गया, आफ्टर कुछ स्टेप ये एंड हो गया। और अगर एंड हो गया तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? ऐसे वाले को शांत कहते हैं, ऐसे वाले को शांत कहते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है? उदाहरण के तौर पर कौन सा नंबर बताया था? 7/8, ठीक है? 7/8। और कोई उदाहरण बता सकते हो क्या? चलो मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 5/2, तो 5/2 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? देखो आप बोलोगे सर 2 से मैं भाग लगाऊंगा, थोड़ा मैं ऊपर करूँ, 2 से आप 5 में भाग लगाओगे, तो आप बोलोगे सर 2 2 4, 5 में से 4 घटाया, 1 मिला, ठीक है? यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 लिखोगे, 2 5 जा 10, तो ये दिख रहा है कि ये शून्य आ गया, नीचे में 0 आ गया, यानी ये एंड हो गया कुछ स्टेप के बाद। तो हम कह सकते हैं 5/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो शांत दशमलव है, ठीक है? ये खत्म हो जाता है कुछ स्टेप के बाद, ठीक है? लेकिन अभी क्या देखा था, एक और टाइप का नंबर था हमारे पास, जैसे कि 1/3 में लिख रहा हूँ, ठीक है? या 10/3 लिख रहा था, ठीक है? 10/3 लिख रहा हूँ। तो अगर 10/3 लिखोगे तो 10/3 के बारे में क्या बोलोगे? सर इसको जब मैंने डिवाइड किया था तो अभी मुझे दिखा था कि इसका जो नीचे वाला जो घटाकर आ रहा है वो कभी भी 0 नहीं होता, तो शेष कभी भी 0 नहीं होगा। तो शेष 0 नहीं होने का मतलब क्या हुआ? ये एंड नहीं होगा, ठीक है? अब एंड नहीं होगा तो क्या होगा? इसका जो भागफल है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देगा,
है, शेषफल भी रिपीट होगा और भागफल भी रिपीट होगा। तो भागफल अगर रिपीट हो रहा है यानी कभी भी एंड नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में क्या कहेंगे, अशांत। तो ये क्लियर हुआ कि दो पॉसिबिलिटी है, शांत और अशांत। ठीक है, तो यही दोनों चीज यहां पर लिखा गया है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा गया है, कुछ संख्याओं। अब संख्याओं कहने का मतलब क्या है, पी बटा क्यू के रूप की कोई परिमेय संख्या या पी बटा क्यू के रूप की कोई संख्या को तो जब दशमलव के रूप में बदलते हैं तो परिमित चरणों के बाद, परिमित चरणों कहने का मतलब क्या हुआ, आफ्टर कुछ स्टेप्स, कुछ स्टेप करने के बाद उसका अंत हो जाता है, मतलब वो एंड हो जाता है। और जब भी एंड हो जाएगा तो उसको आप बोलोगे सर वो शांत दशमलव होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, पहला वाला कैसे समझ में है, इसमें कौन सा नंबर, 7/8 है ना, 5/4, 1/2, ये सारे नंबर शांत दशमलव के उदाहरण है। ठीक है, एंड हो जाएगा ये सारा। अगर मैं लिखूं कि अगर कोई ऐसा नंबर है, कुछ संख्याओं का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो कितने भी स्टेप कर लो वो एंड क्या होगा, एंड नहीं होगा। और अगर एंड नहीं होगा तो क्या बोला, भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगी। यहां पर ध्यान से सीखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पुनरावृत्ति खंड कहने का मतलब होता है रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा, जैसे आपने देखा कि शेषफल जीरो नहीं हो रहा था, अगर शेष जीरो नहीं हो रहा है तो शेष जीरो नहीं होने का मतलब वो एंड नहीं होगा। अब एंड नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एंड नहीं होने वाले को अशांत कहेंगे। ठीक है, इसको अशांत कहेंगे, जो अशांत लिखो चाहे अनवसानी लिखो दोनों ही सेम चीज है, अनवसानी कहने का मतलब अशांत। अब अगर अशांत है मतलब वो एंड नहीं हो रहा। अब आप बोल रहे हो कि सर भागफल क्या हो रहा था, भागफल रिपीट हो रहा था, जैसे एक अंक आपने देखा कि 3 रिपीट होने लगा। ठीक है, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि अशांत आवर्ती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भागफल क्या हो रहा है, भागफल में कुछ अंक है, एक पैटर्न आपको दिखता है कि एक पैटर्न दिख रहा है जो पैटर्न रिपीट होने लगता है। ठीक है, एक पैटर्न दिख जाएगा, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कह सकते हो या रिकरिंग कह सकते हो। ठीक है, रिपीटिंग भी लिखते हैं और कई जगह पर रिकरिंग भी लिखते हैं। ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग, क्लियर है इतना। अगर एंड नहीं होगा तो वह रिपीट हो रहा है परिमेय संख्या के केस में। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपने देखा पुनरावृत्ति खंड, तो रिपीटिंग ब्लॉक को और डिटेल में देखते हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, पुनरावृत्ति खंड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने डिवाइड किया 10 को 3 से, तो 10 को 3 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद देखना है, डेसिमल के बाद, हाँ डेसिमल के बाद देखिए कि 3 जो अंक है, एक अंक जो है 3, ये रिपीट हो रहा है, बार बार 3 आते जा रहा है। ठीक है, और ये कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये अगर अनंत तक बढ़ते जा रहा है तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, 3 लिखेंगे, ये नंबर को लिख दिया, दशमलव लगाएंगे और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखकर ऊपर में बार लगा देते हैं। ठीक है, तो 3 पर बार लगा होने का मतलब क्या है, ये 3 क्या हो रहा है, दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, दशमलव के आगे वाले नंबर पर बार कभी नहीं लगाएं। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले नंबर पर बार लगाएं। इतना क्लियर है कि 3.3 बार लिखने का मतलब 3 रिपीट हो रहा है, एक अंक यहां पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां पर रिपीटिंग ब्लॉक क्या हुआ, 3 हुआ। अगर मैं ऐसे लिखूं 5.38 और यहां पर मैं बार लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर 38 रिपीट हो रहा है। वेरी गुड, आप बोलोगे सर रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 38, मतलब ये वाला चीज रिपीट हो रहा है। तो 38 और कितने बार लिखेंगे इसको, 2 बार 4 बार 5 बार, कितने बार लिखेंगे, तो बोलेंगे अनंत तक जाएगा, 2-3 बार लिखकर डॉट बनाना जरूरी है, तो ये डॉट बनाना बहुत जरूरी है, डॉट बताता है कि अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो 38 रिपीट होते जा रहा है, तो यहाँ पर कितना अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक। ठीक है, तो ये 2 अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं लिख दू 1.297 और 297 पर बार लगा दू, इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 297। तो इसको लिखोगे 1.297, फिर से लिखोगे 297, फिर से लिखोगे 297,
और ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर तीन अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर तीन अंक रिपीट हो रहा है, ऊपर में रिपीटिंग ब्लॉक दो अंक का है, दो अंक रिपीट हो रहा है, यहां पर तीन अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं 5.963 और 63 पर बार लगाऊं, देखो बार सिर्फ और सिर्फ 63 पर है या 63 पर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर 5.9 तो लिख दोगे और रिपीट बस 63 को करोगे, ठीक है, तो 63 को आप रिपीट करना, तो यहां पर लिखोगे 63 63 63 और ये रिपीट होते रहेगा। क्लियर है इतना? तो रिपीटिंग ब्लॉक कितना अंक रिपीट हो रहा है? दो अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है, दो अंक, तो रिपीटिंग ब्लॉक 63 हुआ। तो मुझे बताइए बार का मतलब आपने समझ लिया कि बार क्या होता है? बार का मतलब समझ में आ गया। चलो मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5.963 और इस पे बार लगा दिया, मतलब ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, मतलब कैसा है? ये अशांत है, ठीक है, अशांत है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? हाँ या ना, क्या ये परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल सर, यस, ठीक है, यह एक परिमेय संख्या होगा। क्यों परिमेय संख्या होगा? जैसे कि अगर आपको याद हो अभी, तो अभी मैंने आपको बताया कि 10/3 को आपने कन्वर्ट करके लिखा 3.33, है ना, ऐसे लिखा था, और इसको फिर लिखा 3.3 बार, तो हम कह सकते हैं ना कि 3.3 बार को जो अनंत तक जाने वाली नंबर है, जो अशांत नंबर है, इसको मैंने P/Q के रूप में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, ठीक है, 3.3 बार का ही तो मतलब 10/3 है ना, तो इसको आप P/Q के रूप में लिख पा रहे हो, ठीक है, तो P/Q के रूप में लिख पा रहे हो, जहां पर ऊपर और नीचे पूर्णांक है, तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। तो ये क्लियर हुआ कि जितने भी बार वाले नंबर आएंगे, तो बार वाले नंबर सभी क्या होंगे? ये परिमेय संख्या होंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ? जितने भी बार वाले नंबर होंगे वो परिमेय संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कि एक बार वाला नंबर दे देगा और इसको बोलेगा कि आप P/Q के रूप में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है। साइना क्यों नहीं चल रही है क्लास? कोई प्रॉब्लम है तो लिफ्ट करके ज्वाइन कीजिए। P/Q के रूप की संख्या में बदलकर लिखा जा सकता है, ठीक है, P/Q के रूप में बदलकर लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे बदलेंगे, है ना, हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है। तो अभी यही सीखते हैं कि किसी भी बार वाला नंबर को P/Q के रूप में कैसे कन्वर्जन करते हैं, क्या क्या मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो स्टेटमेंट क्या लिखा गया, 1.27 बार। मुझे बताइए कि 1.27 बार एक परिमेय संख्या है या नहीं है? यस और नो, बस इतना बताओ। यस यस बोलोगे, हाँ सर बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में बदल कर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, ठीक है, और Q 0 नहीं हो। तो करते हैं, कैसे करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। हाउ, कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स है, तो दो काफी सारे मेथड बताता हूँ, ठीक है, चलो। तो अगर कभी भी आपसे सामने क्वेश्चन पूछा जाए कि 1.27 बार को P/Q, क्वेश्चन है आपके सामने कि P/Q के रूप में इसको कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है, परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में बदलेगा, तो क्या क्या तरीके हैं? आप बोलोगे सर जिसको भी कन्वर्ट करना हो, 1.27 बार को कन्वर्ट करना है, तो इसको आप x मान लो, मान लो कि x का मान 1.27 बार है, लेट x इक्वल टू 1.27 बार, मान लिया x का मान 1.27 बार है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x का जो मान है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1.27 27 27 और ये अनंत तक जाएगा, बताइए ऐसा लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, ठीक है, ऐसे लिखने के बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण 1 मान लोगे। मुझे बस इतना बता दो कि इस वाले में कितना नंबर रिपीट हो रहा है, कितना अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक रिपीट हो रहा है या दो अंक रिपीट हो रहा है,
या तीन अंक रिपीट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर दो अंकों के ऊपर बार है तो दो अंक रिपीट हो रहा है, सिर्फ दो सात रिपीट हो रहा है ना, देखो 2727 27 27, तो सिर्फ दो अंक रिपीट हो रहा है, ये मत देखना कि तीन बार रिपीट हुआ है, ठीक है, होने के लिए तो अनंत तक जा रहा है ना, तो ये तीन बार तो मैं बस लिखा हूँ, ठीक है, ये अनंत तक है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, दो अंक। तो अगर दो अंक रिपीट होगा तो आप इस समीकरण में 100 से गुना करोगे, लास्ट में दो जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 100 से क्यों गुना किया, क्वेश्चन उठेगा ना कि क्यों 100 से गुना किया, क्योंकि यहाँ पर दो अंक, क्योंकि सर 2 पे बार है। हाँ दो नंबर पर बार है, मतलब दो अंक रिपीट हो रहे थे इसलिए 100 से गुना किया। अगर एक अंक रिपीट होता तो क्या करते, 10x हाँ आप बोलते कि सर अगर एक अंक रिपीट होता ना तो 10 से गुना करते, अगर दो अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से गुना करेंगे, अगर तीन अंक रिपीट होगा तो 1000 से गुना करेंगे। क्लियर है इतना, एक अंक रिपीट होगा 10 से गुना करेंगे, दो अंक रिपीट होगा 100 से गुना करेंगे, तीन अंक रिपीट होगा 1000 से गुना करेंगे, इससे ज्यादा बड़ा नंबर आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में गुना करने का तरीका पता है क्या आपको, किसी भी इक्वेशन में अगर मैं गुना करना चाहूं तो ये सीखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्स का वैल्यू 5 के बराबर है और मैं इस इक्वेशन में दो से मैं गुना करना चाहता हूँ, तो इस इक्वेशन में दो से गुना करने का मतलब होता है कि LHS यानी बाएं तरफ भी गुना करोगे और RHS में भी गुना करोगे, तो इस दो के गुना करोगे जब x के साथ तो ये मिल जाएगा आपका 2x, और इस दो के जब गुना करोगे इस 5 के साथ तो ये बन जाएगा आपका 10, और बीच में बराबर लगा दोगे। तो ये समझ में आया कि इक्वेशन को गुना कैसे करते हैं, किसी भी नंबर में, किसी भी इक्वेशन में किसी नंबर से कैसे गुना करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ गुना कर देते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 100 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, x में जब आप 100 से गुना करोगे तो आपको पता है कि ये बन जाएगा हमारे पास 100x, ठीक है, ये 100x बन गया बराबर। अब मुझे ये बताओ कि 1.27 27 27 में अगर मैं 100 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा, एनीवन? 1 2 वन टू, देखो आप क्या करोगे, बोलोगे सर क्या करेंगे, सिंपली से यहां पर दो जीरो है ना, तो दो अंक दाईं तरफ इसको ले जाएंगे, डेसिमल को दो अंक दाईं तरफ ले जाओ तो 7 के बाद यहां पर आ जाएगा, दो अंकों के बाद एक अंक, दो अंक दाईं तरफ चला गया वो, तो ये बन जाएगा 127.27 27 27, ये अनंत तक चलते रहेगा, इतना क्लियर है, 127 के बाद पॉइंट आ जाएगा इस बार। तो आप बोलोगे सर इसमें अगर 100 से गुना करेंगे, 1.2727 में अगर 100 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 127.27 27 27, ये अनंत तक जाएगा, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहा है, इतना क्लियर है सभी का, बताइए इतना क्लियर है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब कुछ नहीं कर रहा, अब सिंपली इस स्टेप में क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन लिखा गया है पहले वाले इक्वेशन को, ठीक है, जो पहला इक्वेशन लिखा गया है, बस इक्वेशन को मैं फिर से नीचे लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिख दे रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, सेम लिख दूंगा। तो इसको आप लिख सकते हो, सर यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बराबर 1.27 27 27, ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1, बस ऊपर से नीचे लिख दिया। अब यहां पर देखो मैंने क्या किया, दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लिखा, अब दशमलव के नीचे दशमलव क्यों लिख रहा हूँ, दशमलव के नीचे दशमलव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तो आपको पता है कि यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है, ठीक है, घटाव करना है, तो इक्वेशन 2 में से अगर मैं इक्वेशन 1 को घटा दूं तो क्या मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को घटाऊं तो आप कह सकते हो सर अगर मैं बाएं तरफ घटाऊं 100x में से x को घटाऊं तो क्या मिलेगा, तो 100x में से अगर x को घटाओगे तो ये मिल जाएगा आपका 99x, ठीक है, 99x, ठीक है। अब 127.2727 में से 1.272727 अगर घटाऊं तो आपको पता है कि दशमलव के बाद जो नंबर लिखे हैं वो बिल्कुल सेम लिखे गए, तो आप बोलोगे सर इस 7 में से यहाँ पर दिखेगा
इस सेवन में से इस सेवन को मैं घटा रहा हूँ, ठीक है। तो सात में से सात घटाया तो ये जीरो मिला, दो में से दो घटाया तो जीरो मिला, फिर से सात में से सात घटाया जीरो मिला, दो में से दो घटाया जीरो मिला, तो इस तरीके से ये सारे जीरो आ जाएंगे। पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब 127 में से अगर मैं एक को घटाऊं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 126, तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, 99x का मान 126 के बराबर, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो लिखा गया है तो सिर्फ 126 लिख देंगे। क्लियर है इतना? बताइए इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, एक बार मैं घटाने के लिए सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने बोला कि 127.2727 इस तरीके से लिखा गया, और भी लिखा गया था, यहाँ पर 1.2727 लिखा गया था अनंत तक। तो आप बोलोगे सर अगर कभी ऐसा दिखे ना कि डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे गए, डिजिट लिखे गए, ये सारे सेम है, तो ये तो पूरा आपस में कट जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा जीरो हो गया। आप बोलोगे सर 127 में से एक घटा दिया तो यहाँ पर 126 आ गया, ठीक है। तो 126.0 चुका। क्लियर है इतना? ये सब्ट्रैक्शन क्लियर है? छोटे छोटे चीजें, डेसिमल, सब्ट्रैक्शन, दशमलव का घटाओ। अब मुझे बताइए कि 99x का मान 126 है, तो x का मान कितना होगा? तो x का मान बोलोगे सर 126 बटा 99 आया, ठीक है। तो 126 बाय 99। हाँ, अब इसको मैं, मुझे इसको क्या करना होगा, देखो फाइनल आंसर इतना नहीं आएगा। आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सरलतम रूप में लिखेंगे। अब सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ? सरलतम रूप में लिखने का मतलब इसको काटोगे आप ऊपर नीचे, तो मुझे देखिए कुछ कट रहा है क्या? तो बोलोगे सर 3 से 126 भी कटेगा, 3 से 99 भी कटेगा। तो 3 से काटा तो कितने बार में कटेगा? 3 चौके 12, 3 3 6, 3 2 6, सॉरी 3 2 6, 3 2 6, और 3 से इसको काटा तो 3 बार में कटा, 3 बार में, यानी ये आ जाएगा 42/33। अभी फिर से ये 3 से कट रहा है क्या? तो गगन कह रहे हैं कि 3 से सर और कटेगा, तो फिर से इसको 3 से काटिए। 3 से काटोगे तो 3 से एक बार में, 3 एकम 3 और 1 4 3 चौके 12, और 3 से काटोगे तो 11 बार में। तो ये हमें दिख रहा है क्या कि 14/11 आ रहा है? अब ये नहीं कटेगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका 14/11 आएगा, ठीक है। अब यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहां से मुझे साफ दिख रहा है कि x का जो मान था हमारा, x है हमारा 1.27 बार। अब एक वन x का ही मान, देखो यहां पर आपने लिखा सर x का ही जो मान है वो 14/11 है, तो हम लिख सकते हैं कि x का मान 14/11 है। तो कह सकते हैं क्या कि 1.27 बार को हम 14/11 लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख दिया हमने, हमने p बटा q के रूप में लिख दिया। तो बार वाला नंबर जो दिखा वो क्या है, वो अनंत तक जा रहा है, अशांत है और परिमेय संख्या है। क्लियर? ये पूरा चीज समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? अच्छा चलो, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, मान लो ये 4 अंकों का क्वेश्चन है, तब तो ये पूरा मेथड से आपको करना होगा। ये जितना भी मैं सॉल्व करके लिखा ना, ये पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का अगर रहे, सिर्फ आपको टिक मारने वाला क्वेश्चन रहे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहे, तो उसके लिए जरूरी है क्या कि पूरा करो? उसके लिए देखो एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। अगर 1 मार्क्स का है तो शॉर्टकट भी सीखो, शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, 1.27 बार, ठीक है। देखो 1-2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड लगेगा आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर सारे बार को हटाइए, सारे पॉइंट को हटाइए, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे नंबर को लिखिए। तो यहाँ पर नंबर लिख दोगे 127, उसके बाद माइनस करोगे। माइनस क्या करेंगे, दशमलव के आगे जो नंबर लिखा गया है ना, जिस पर बार नहीं लगा गया है, तो इस वाले नंबर को आप माइनस कर दोगे। तो 127 में से 1 को घटाया, ठीक है। बट्टा में क्या लिखोगे मुझे बताइए, कितने अंकों पर बार लगाया गया है? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9 लिखोगे यहाँ पर, तो 2 बार 9 लिखोगे, तो ये आ जाएगा आपका 126/99, जिसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा आपका 14/11 आया था ना, 14/11। क्लियर है? ये समझ में आया? तो सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, नहीं आया, ठीक है, सभी को आ गया, एक बच्चे को शायद नहीं आया। चलो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अभी उदाहरण से सीखते हैं।
मैं और काफी सारा उदाहरण दे रहा हूँ, 5.98, और मैं यहाँ पर बार लगा दिया, 5.98 के ऊपर बार लगा दिया। देखो इसको मैं मेथड से तो कर ही सकता हूँ, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसको मेथड से कर लूंगा, लेकिन अगर मुझे जल्दी से आंसर लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख देना, 598 लिख दो पूरा नंबर बिना बार का, बिना कोई भी डेसिमल का। उसमें से माइनस कितना करोगे, घटाओगे क्या, तो ये जो आगे का नंबर है ना, दशमलव के पहले जो नंबर है, तो इसको आप घटाओगे, 598 में से 5 को घटाओगे। अब मुझे बताइए कितना अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो 2 बार 9 लगा दो, ठीक है। तो 598 में से 5 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 593, और नीचे में लिख दोगे 99। क्लियर है, अब समझ में आया? ठीक है, चलो और उदाहरण दे रहा हूं, जितने भी टाइप के हो सकते हैं मैं सारे सारे बता दूं, ठीक है। चलो अगर मैं लिखूं यहां पर 2.69 और इस पर बार लगा दूं, ये आप लोग ट्राई करके बताओ, 2.69 बार, इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, अगर एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करोगे, 2.69 बार, मुझे बताइए। चैट सेक्शन में आंसर लिखो, 2.69 बार को अगर हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। तो आप बोलोगे सर इसको बिना बार का, बिना कोई दशमलव का, सीधे सीधे ऐसे लिख दो, 269 लिख दो। इसमें से माइनस क्या करोगे, घटाओगे आगे वाला नंबर जिस पर बार नहीं लगा गया, दशमलव के पहले जो नंबर लिखा गया है उसको घटा दोगे, तो यहाँ पर लिख दोगे 269 माइनस 2, और नीचे में लिखोगे सर 2 अंकों के बाद, 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है तो नीचे में 2 बार 9 लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 267/99, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे ये कट रहा है क्या, तो ये नहीं कट रहा, ठीक है, नहीं कट रहा है ये, ठीक है, ये तो कटेगा ना, 3 से कट रहा है, 3 से काटो इसको, तो 3 से काटोगे, 3 8 24, 3 9 27, तो ये 89 बार में कट रहा है 3 से, और 3 से काटोगे तो 3 3 89, 33 बार में कटेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 89/33। जरूरी नहीं है कि कटेगा, अगर कट रहा है जहां पर सिंप्लीफाई हो सकता है वहां पर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5.987 और तीनों ही के ऊपर मैं बार लगा दिया, इसको क्या करोगे, ट्राई करके खुद से बताओ, फिर मैं करता हूं, पहले खुद से ट्राई करो। शॉर्ट फॉर्म में ही करना है, ठीक है, मेथड से तो मैं कर ही लूंगा, मुझे पता है। बोलोगे सर बिना बार का, बिना दशमलव का, सीधे सीधे नंबर लिख दीजिए, 5987, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, घटाएंगे क्या, तो ये जो आगे में नंबर लिखा रहता है उसी को घटा देते हैं, ठीक है, तो ये वाले नंबर को घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5 डिवाइडेड बाई कितना 9 लिखेंगे, तो यहाँ पर बोलोगे सर 3 बार नंबर रिपीट हो रहा है, 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 3 बार 9 लगाओगे, 999, तो आंसर आ जाएगा आपका 5982/999, ठीक है। ये कट रहा है क्या, 3 से या 9 से कट रहा है क्या, हाँ 3 से कट रहा है, ठीक है, तो 3 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा, मैं काट कर दिखाता हूँ, 3 से अगर काटोगे तो 3 से कटेगा ये 333, और 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 9 27, 28 29, 3, 1 मिनट, इसको आप काटोगे 3 से तो 8 10 10 5 15, हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, 4 5 29, 3 9 27, 28 29, 28 आया, 3 9 27, 3 4 12, तो 1994333 आएगा, ठीक है, 1994/333, ये सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना, काट लोगे 3 से इसको और 3 से इसको, ठीक है, इतना क्लियर है, कर लोगे, कैसा भी नंबर आएगा।
तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिस्कस करें। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 0.47 बार। अच्छा देखो, आगे में जीरो रहेगा तो और आसान हो जाएगा। अगर दशमलव के पहले, डेसिमल के पहले अगर जीरो रहेगा तो आप क्या बोलोगे, सर इसको बिना दशमलव का लिख देंगे, 47 बिना बार का लिख दिया, इसमें से घटाओगे क्या? तो आप बोलोगे सर इसको घटाएंगे। तो जीरो को घटाओ या मत घटाओ फर्क पड़ेगा क्या? पाँच में से जीरो घटाओगे तो पाँच ही आएगा ना, 47 में से जीरो घटाओगे तो 47 ही आएगा, ठीक है? तो इसमें आप घटाओ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर अगर आगे में जीरो है तब तो सीधे सीधे इसको 47 लिखिएगा और दो अंकों पर बार है तो दो बार 9 लगा दो, ठीक है? मुझे बताइए अगर मैं लिखूं 0.23 बार तो ये क्या होगा? तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितना देर लगेगा आपको करने में? तो अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितना देर लगेगा? 2-3 सेकंड है ना, 5 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है? तो 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अभी क्लास खत्म नहीं हो रहा है, बस होमवर्क मैं बीच में दे रहा हूँ, ठीक है? होमवर्क क्या है आपका, इस क्वेश्चन को आप जो मेथड है हमारा पूरा फुल बड़ा कंप्लीट मेथड, तो इस मेथड से ट्राई करके देखना, ठीक है? तो ये घर पर ट्राई करना, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है? ट्राई करना इसको, ठीक है? तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये लिख ले लिया ना स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसको ले लिया सभी ने, ठीक। अगर मैं लिख दूं 0.54 बार, ये मुझे पी बटा क्यू के रूप में लिख के बताइए, पी बटा क्यू के रूप में लिख के बताइए 0.54 बार को। अच्छा सभी का आंसर तो सही है लेकिन सभी का अधूरा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए आंसर, आंसर तो सही है लेकिन अधूरा है। 54/99 लिखोगे तो वो कटेगा ना, 54 और 99 9 से कट रहा है, तो देखिए अगर ऊपर और नीचे किसी संख्या से कट रही है तो उसको सरलतम रूप में लिखेंगे, ठीक है? तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिखेंगे, 54, इसमें कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे में जीरो है, तो 54/99। अब इसको काटेंगे 9 से, तो 9 से कटेगा तो ये 9 से 6 बार में कटेगा, ये 9 से 11 बार में कटेगा, तो आंसर आपका आ गया 6/11। क्लियर है, 6/11 आंसर आएगा, ठीक है? तो सरलतम रूप में आंसर छोड़ना। देखो कभी आप सॉल्व करते हो, मान लो अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है आपका 5/15, तो 5/15 आंसर नहीं करते ना आप इसको काटते हो। आप बोलोगे सर 5/15 कहने का मतलब 5 एकम 5, 5 3 15, तो आंसर करते हैं 1/3, है ना, ये आंसर छोड़ते हैं। तो आंसर हमेशा सरलतम रूप में छोड़ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं यहां पर लिख दूं 5.23 23 23 23 23 और ये अनंत तक, तो ये परिमेय संख्या होगा क्या, इरेशनल नंबर होगा? तो आप बोलोगे यस सर ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखो दो तरह के हो सकते हैं, परिमेय संख्या या तो शांत होगा, ठीक है, या फिर अशांत होगा, और अगर अशांत होगा तो अशांत में आवर्ती होगा, ठीक है, मतलब ये रिपीट होने वाला होगा, 2323 रिपीट हो रहा है। देखो वही चीज यहां पर लिखी गई है, किसी भी परिमेय संख्या का, किसी भी पी बटा क्यू के रूप की संख्या हो जो परिमेय संख्या हो, रेशनल नंबर है, तो उसका जब आप दशमलव प्रसार करते हो, डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, तो वो या तो शांत होता है, मतलब या तो कुछ स्टेप के बाद एंड हो जाएगा या फिर कुछ स्टेप के बाद एंड नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। अगर एंड हो जाएगा तो उसको हम शांत बोलेंगे, यानी शांत कहने का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग कहेंगे, मतलब वो एंड हो गया कुछ स्टेप के बाद। अगर एंड नहीं होगा तो क्या बोलोगे उसको, एंड नहीं होने का मतलब अनवसानी, अनवसानी कहने का मतलब क्या हुआ, अशांत, ठीक है, अनवसानी बस एक नाम है, तो इसको कहेंगे अशांत, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा। और अगर कभी खत्म नहीं हो रहा तो इसमें क्या होता है, भागफल रिपीट होता है। अभी बताया ना कि अगर अशांत है तो भागफल रिपीट होगा,
अनावसानी आवर्ती, वही तो कह रहा ना, अनावर्ती किसे कहते हैं, अनावर्ती के बारे में अभी बात करेंगे, अभी आवर्ती देखिए। ठीक है, एक आगे का क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, ये समझ में आया कि अशांत आवर्ती क्या हो गया। तो अशांत कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, और खत्म नहीं हो रहा तो रिपीटिंग है ना, रिपीट कर रहा है। तो परिमेय संख्या दो ही टाइप की हो सकती है, या तो अशांत हो गया, अशांत या तो अशांत होगा या फिर अशांत होगा तो आवर्ती होगा। क्लियर है इतना, ये क्लियर है। अब अभी जैसे कि अफाक ने पूछा था कि अशांत अनावर्ती क्या होगा सर, अगर कोई नंबर ऐसा हो जो इस टाइप का हमें दिखे। देखो, अगर ऐसा नंबर लिख दूं 5.29643852913953 और ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है, तो पहले आप बताओ ये क्या है, ये अशांत है या नहीं है। अशांत है ना, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, एंड हो रहा है क्या, तो एंड नहीं हो रहा, तो एंड नहीं हो रहा तो ये अशांत है। मुझे बताइए, रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या कहीं पर भी, कोई भी एक पैटर्न दिख रहा है आपको। तो आप बोलोगे सर नहीं सर, पैटर्न भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखो 2964382 कुछ भी दिखा हुआ है, तो ये क्या है, अनावर्ती है। ठीक है, तो ये क्या है, अनावर्ती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ऐसे वाले नंबर को क्या कहते हैं। तो सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखा रहे जो एंड भी नहीं हो रहा, जो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ऐसे वाले को अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर कोई ऐसा नंबर दिखे, ऐसा डेसिमल दिखे जो एंड भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, एंड अगर नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी उसमें रिपीटेशन, कोई भी पैटर्न नहीं दिखे, कोई भी पैटर्न आपको नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे सर ये वाले को क्या कहेंगे, ये वाले को बार लगा के नहीं लिख सकते। इसमें आप बोलो, इसको बार लगा के लिख सकते हो क्या, इसको पी बटा क्यू क्यू पर नहीं लिख सकते। ठीक है, बताइए, इसको बार लगा के लिख सकते हो, बार नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपको कुछ पैटर्न ही नहीं दिख रहा, 2964382 कुछ भी मैं लिख दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होगा, अपरिमेय होगा। बताइए अफाक, क्लियर हुआ, आपका ही डाउट था, क्लियर हुआ। ठीक है, मुझे बताइए अशांत अनावर्ती को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखो वही चीज आगे लिखा भी था, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, अगर एक इरेशनल नंबर मैं ले लूं तो इरेशनल नंबर का जो दशमलव डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग कहने का मतलब नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो अनवसानी, अनवसानी कहने मतलब अशांत, अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग, या फिर उल्टा कह सकते हो कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, मतलब जो कभी भी एंड नहीं हो रहा, और अनावर्ती कहने का मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे वाले को अपरिमेय कहेंगे, ऐसे वाले को अपरिमेय कहेंगे। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर रूट टू लिखा गया, देखो रूट टू का वैल्यू लिखा गया। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए, अशोक के नाम से बच्चों। ठीक, देखो यहाँ पर रूट टू का वैल्यू लिखा गया है, तो मुझे बताइए रूट टू कैसा दिख रहा है, ये शांत दिख रहा है या अशांत दिख रहा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। पी कह रहे हो मतलब अशांत, ठीक है, आप बोलोगे सर ये कैसा दिख रहा है, अशांत दिख रहा है। ठीक है, मतलब कभी भी एंड तक ये कभी खत्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद मुझे बताइए कि रिपीटिंग दिख रहा है या नॉन रिपीटिंग दिख रहा है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। तो बोलोगे नॉन रिपीटिंग सर, इसमें कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, देखो 4 4 1 4 2 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3, और ये डिटरमाइन कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन हुआ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, आप बस याद रखना रूट टू का वैल्यू 1.414, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जनरली यूज करते हैं, लेकिन 1.414 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। तो रूट टू का वैल्यू जो आप लोग अपने बुक में देखते हो कई बार, कि रूट टू का वैल्यू 1.414 है,
ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, लगभग ये मान यूज करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये वाला है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कैसा है, अनावर्ती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो इसको क्या कहेंगे, इसीलिए हम कह रहे थे कि रूट टू कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आया कि रूट टू को अपरिमेय क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती था, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था, इसलिए ऐसा बोला, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके सामने, आप मुझे बताना कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो परिमेय है, अगर रेशनल नंबर है तो ऑप्शन ए बोलना, अगर आपको लगता है कि ये जो भी नंबर मैं लिख रहा हूँ वो अपरिमेय है तो ऑप्शन बी लिखना, आप चैट सेक्शन में अंतर दोगे, ठीक है। पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5.29, ये नंबर कैसा है, परिमेय या अपरिमेय? ये दशमलव संख्या जो लिखा गया है ये कैसा है? तो ए कह रहे हो, मतलब साफ दिख रहा है ना कि ये 5.29 ये कैसा है, ये शांत है, कुछ स्टेप्स के बाद ये खत्म हो गया है। इसको p बटा q के रूप में आप लिख सकते हो, 529/100, है ना। तो सभी तरह से हमें क्या दिख रहा है कि 529/100 है, शांत है, शांत वाले को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना, रेशनल नंबर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या कैसा हुआ, शांत वाला। क्वेश्चन टू में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन टू है आपके सामने, मैं लिख दिया यहां पर 2. या मैं लिख रहा हूं 7.52525252 और ये अनंत तक जा रहा है, तो ये परिमेय है या अपरिमेय? अगेन बोलोगे सर ये कैसा है, इसको अगर मैं देखो ध्यान से तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये अनंत तक तो जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये अशांत है, ठीक है, ये अशांत, ठीक है। अब अशांत में कैसा वाला अशांत है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पैटर्न दिख रहा है 5252 रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है। तो रिपीटिंग ब्लॉक में इसको आप लिख सकते हो ना 7.52 बार। आप बोलोगे सर बार वाला जितना भी नंबर था इसको हम पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। तो भले ही अशांत है लेकिन रिपीटिंग है ना, तो रिपीटिंग है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होने के कारण ये परिमेय। क्लियर हुआ, तो ये वाला भी परिमेय था, अशांत आवर्ती का कैटेगरी वाला ये परिमेय, ठीक है। अगर मैं तीसरा लिख दूं, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूं, मैं लिख रहा हूं 3.9111, फिर मैं लिख रहा हूँ 9 3 बार 1, फिर 9 4 बार 1, और इसको मैं डॉट 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 लगा दिया। अब ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये परिमेय है या अपरिमेय है? अब ये वाले को बोलोगे सर ये अपरिमेय है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे दिखा कि ये अशांत है, ठीक है, ये अशांत, ठीक है। उसके बाद ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, आप बोलोगे सर इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो 91 है, यहाँ पर 911 है, यहाँ पर 9 के बाद 3 1 है, यहाँ पर 9 के बाद 4, तो ये सारे अलग अलग है, ठीक है, ये सारे क्या है, अलग अलग है, ठीक है, ये सारे अलग अलग दिख रहे हैं, तो रिपीट नहीं हो रहा कोई भी पैटर्न, एक ही नंबर रिपीट होता है दिख रहा है क्या, नहीं। तो ऐसा कहेंगे अशांत अनावर्ती, तो इस वाले को क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। तो ये क्या हो रहा है, एंड नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, एंड भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, तो वह इरेशनल होगा। तो आप बोलोगे सर ये कैसा है, अपरिमेय, तो ये अपरिमेय के कैटेगरी में जाएगा। क्लियर हुआ, तीन टाइप के नंबर, शांत वाला परिमेय होगा, अशांत आवर्ती वाला परिमेय होगा, अशांत अनावर्ती वाला अपरिमेय होगा। तो एक फ्लो चार्ट से देख लो, याद रहेगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समझा दे रहा हूं। तो किसी भी नंबर को अगर दशमलव प्रसार करोगे तो दो कैटेगरी में बटता है वो, ठीक है, दो टाइप का हो सकता है। पहला जो टाइप होगा हमारा वो शांत होगा, और दूसरा जो टाइप होगा अशांत होगा। मैं समझा देता हूँ सारी चीजें एक एक करके। तो शांत वाला क्या होगा, जो एंड हो जाएगा, अशांत वाला क्या होगा, जो एंड नहीं होगा, ठीक है। तो शांत होगा या अशांत होगा, शांत वाला एंड होगा, अशांत वाला एंड नहीं होगा।
अब जो एंड हो गया उसमें तो कोई कैटेगरी नहीं बनता, लेकिन जो अशांत है ना, जो खत्म नहीं हो रहा, जो एंड नहीं हो रहा, ये अगेन दो पार्ट में बटेगा, अगेन दो कैटेगरी में जाएगा। तो पहला कैटेगरी होगा जो एंड नहीं हो रहा, एंड तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो जो रिपीट हो रहा है, ठीक। दूसरा कैटेगरी जो होगा वो एंड तो नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इस वाले को कहेंगे अशांत अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर कौन कौन सा नंबर किस कैटेगरी में जाएगा? तो आप बोलोगे सर शांत वाले को परिमेय बोलेंगे, ठीक है, जितने भी दशमलव संख्या ऐसे वाले होंगे परिमेय बोलेंगे। अशांत दोनों ही कैटेगरी हो जाते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो शांत अशांत आवर्ती आएगा, तो इस वाले केस को आप बोलोगे सर परिमेय, ठीक है, तो इस वाले को आप परिमेय बोलोगे, और इस वाले को क्या बोलोगे? आप परिमेय बोलोगे। इतना क्लियर है? ये तीनों टाइप क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करते हैं, ठीक है।